कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सभी उचित कदम उठा रही है। अभी तक दिल्ली में टोटल 10 मरीज पाए गए हैं। उन 10 में से एक की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई थी। 2 पेशेंट्स ठीक होकर घर चले गए हैं और उनमें से एक पेशेंट सिंगापुर चले गए हैं। तो 6 पेशेंट्स अभी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के 6 पेशेंट्स हैं, उनमें से उनको भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उनमें से भी कई अब ठीक होने की स्थिति में हैं। उनमें से कोई भी ऐसा सीरियस नहीं है। हमारे पास टोटल क्वारंटाइन करने के लिए 768 बेड्स की कैपेसिटी है। उनमें अभी केवल 57 ऑक्यूपेंसी है, 711 बेड अभी खाली हैं। टोटल हमारे पास 550 बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स अपने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में, कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमारों को एडमिट करके उनका इलाज करने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स में 550 बेड्स हैं और केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में 95 बेड्स हैं। उन 550 में से अभी केवल 40 की ऑक्यूपेंसी है। 40 वो लोग हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, उनको भी आइसोलेशन वार्ड्स में हमने रखा हुआ है, और 95 जो केंद्र सरकार के हैं उसमें 67 उसमें ऑक्यूपाइड हैं, तो उसमें भी काफ़ी बेड्स अभी खाली हैं। क्वारंटाइन जो बेड्स हैं, क्वारंटाइन करने के लिए जैसे बाहर से जो लोग आते हैं फ्लाइट्स में, उनमें जो लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ता है उनको फिर हम अलग अलग जगह ले जाते हैं, उसमें 768 बेड्स हैं टोटल, जिसमें से 57 ऑक्यूपाइड हैं, 711 खाली हैं। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर 550 बेड्स हैं अगर बीमार पड़ते हैं लोग, उन बीमारों का इलाज करने के लिए, ये क्वारंटाइन के लिए नहीं है, बीमारों का इलाज करने के लिए है। 550 बेड्स हैं जिसमें 40 की ऑक्यूपेंसी है, 40 सस्पेक्ट्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी है, और केंद्र सरकार के 95 बेड्स हैं जिसमें से 67 की ऑक्यूपेंसी है। आज कुछ निर्णय लिए गए हैं, वो उनकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। एक तो दिल्ली के सारे रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं। इसमें वही रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के खाना वर्जित किया जा रहा है, लेकिन टेक अवे अगर आप, कई लोग हैं जो केवल रेस्टोरेंट पे निर्भर करते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो टेक अवे या होम डिलीवरी जो है वो बंद नहीं की जा रही है, लेकिन रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के खाना बंद किया जा रहा है। उसी तरह से आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने थे, ITIs, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। ये सब 31 मार्च तक के लिए है जो मैं कह रहा हूँ, ये सब बंद कर दिए गए हैं, और इनका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो अब अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में नहीं आएगा, वो घर से ही काम करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्वारंटाइन उनको सेल्फ क्वारंटाइन के लिए कहा जा रहा है कि अपने घर जाके अब आप अलग कमरे में रहिए, उनके ऊपर स्टैंपिंग करनी शुरू कर दी है उनके, क्योंकि कई देखने में मामले आए कि वो लोग भाग जाते हैं या वो लोग क्वारंटाइन नहीं कर रहे, तो ये स्टैंप उनके हाथ पे लगाई जा रही है। पब्लिक प्लेस में अगर किसी को भी स्टैंप लगा हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसको तुरंत अपने घर वापस जाने को कहा जाए, और उस ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप दूसरों को भी बीमारी फैला सकते हैं, आपको अगर क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है तो आप क्वारंटाइन रहिए, ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे सारी दुनिया परेशान है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सरकार को के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और हो सकता है आपको गिरफ्तार करना पड़े, हो सकता है आपके खिलाफ FIR करनी पड़े। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हम लोग डेली सभी बसेस का डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, डेली सभी ISBTs का डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, सभी मेट्रोज का किया जा रहा है, और हमारे सभी बस डिपोज में
चाहे वो क्लस्टर के हो चाहे डीटीसी को, सभी बस डिपोज के अंदर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक ऑटोज का, टैक्सीज का, ग्रामीण सेवा का, प्राइवेट जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनका भी डिसइंफेक्शन फ्री में किया जा रहा था, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगने लग गई। तो आज ये निर्णय किया गया कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक पूरा दिन प्राइवेट व्हीकल्स का भी डिसइंफेक्शन किया जाएगा, जो भी आएगा उनका डिसइंफेक्शन किया जाएगा, और अगर किसी डिपो पे ज़्यादा भीड़ लगेगी तो वहाँ पे मैन पावर भी डबल कर दी जाएगी। एक ये देखने में आया पिछले कुछ दिनों में कि जो हमारे इंटरस्टेट बसेज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो आती हैं इंटरस्टेट बसेज, उनमें काफ़ी कमी आई है। जम्मू कश्मीर ने टोटल बंद कर दिए हैं, नेपाल ने टोटल बंद कर दिए हैं। सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि स्थिति की नाजुकता को समझते हुए कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें, जो भी काम है घर से ही करने की कोशिश करें। प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर के सभी इंस्टीट्यूशन से हमारी विनती है कि आप अपने अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने का ऑप्शन दीजिए, घर से काम करने के लिए कहिए, ताकि वो दफ्तर ना आए, ताकि कहीं भी भीड़ ना हो, और अगर ज़रूरत ना हो तो सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही रहें। उसी तरह से जितने सीनियर सिटीजन हैं उनसे खास तौर से हमारी रिक्वेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा हमने पाया अभी तक दुनिया भर के जो एक्सपीरियंसेस हैं कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही हैं, तो सीनियर सिटीजन से खास तौर से कि हम लोग देखते हैं कई बार सुबह और शाम को वो वॉक करने के लिए निकलते हैं और झुंड में इकट्ठे होते हैं, तो अभी थोड़े दिन अगर हो सके तो अपने अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। सबसे ज़्यादा एहतियात सीनियर सिटीजन को बरतने की ज़रूरत है। एक निर्णय और लिया गया कुछ अभी 2-4 दिन पहले, हमने कहा था कि 50 से ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वो 50 को कम करके 20 कर दिया है, 20 से ज़्यादा कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी। मेरी सभी लोगों से अपील है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है, अपने को बचाने की ज़रूरत है। जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना हम इससे बच पाएंगे। कल जो एक हादसा हुआ सफदरजंग हॉस्पिटल के 7th फ्लोर से एक मरीज ने अपनी खुदकुशी कर ली, तो सबको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें अधिकतर लोग, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस अगर बीमारी हो जाए तो जान चली जाती है, अधिकतर लोग बच जाते हैं, अधिकतर लोग बच रहे हैं। जो वल्नरेबल कुछ सेक्शन है जो जिनके लिए ये घातक सिद्ध होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो एक तो अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, और बाई चांस अगर हम कैरियर हैं तो दूसरों को ना हो इसकी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एहतियात बरतें और जब सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। सर, ये आप कह रहे हैं कि ये एयर टू एयर नहीं फैलता है, लेकिन क्या कारण आपको लगता है कि रेगुलेटर स्टिक करने के बाद भी बढ़ता चला जा रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? जब मैं आपको पता है ये कैसे फैलता है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये दो तरह से फैलता है बस। एक है कि अगर मैं बीमार हूँ, मैंने खांसा या मैंने छींका, तो जो वो है जो थूक है उसके जो कण है वो अगर आपके ऊपर आके सीधे गिर गए तो आपको हो सकता है आपके मुंह पे, आपकी नाक पे, आंख, नाक और मुंह, इन तीन के जरिए ये शरीर के अंदर एंटर करता है। अगर आपके उस पे आके गिर गए और आपके अंदर एंटर कर गए तब ये हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली, इसीलिए कहा जाता है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें ताकि अगर कोई भी बाई चांस खांसता है या छींकता है सीधे आपके ऊपर नहीं गिरेगा। दूसरा है, मैं बीमार हूँ और मेरे को खांसी आई, मैंने मुंह के आगे हाथ रख लिया और आपसे हाथ मिला लिया तो आपके हाथ पे आ गया, और आपने अपना हाथ अपने यहाँ पे खुजली हुई आपने मुंह पे ले गए, यहाँ पे खुजली हुई आप अपने नाक पे ले गए, ये आपके अंदर एंटर कर जाएगा। एक और, अगर मैंने थूका या खांसा और वो इस सरफेस पे गिर गया, इस सरफेस के ऊपर दूसरे आदमी ने हाथ रख दिया और वो उसने मुंह या नाक या कान पे रख दिया, तो ये इस तरह से फैलता है और इस तरह से तेजी से फैल रहा है। इसकी दिक्कत दो है। एक तो ये कि हार्ड सरफेस के ऊपर जब ये थूक गिरता है 48 घंटे तक इसका वायरस जिंदा रहता है,
और अगर सॉफ्ट टिश्यू वगैरह के ऊपर गिरता है तो बताते हैं कि 6 या 7 दिन तक ये जिंदा रहता है। और दूसरी है कि अगर आपको हो जाए तो 14 दिन तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपको हो गया, और आप इस दौरान इतना ज़्यादा घूमते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, कितने और लोगों को आप कर देते हैं आपको भी पता नहीं चलता है। तो जो बचेंगे उसमें भीड़ ज्यादा हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इसको फ्रीक्वेंसी को हम कम ना करें, लोग कम ट्रैवल करना चालू करें। हम भी इस बारे में काफी चिंतित हैं, स्पेशली जो डेली वेज लेबर्स हैं, जो गरीब तबका है, जो रोज कमा के रोज खाता है। अभी ये कुछ दिन तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। कुछ दिन के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि गर्मी आ जाएगी, तो अभी इसका कोई रिसर्च का वो नहीं है, गर्मी आ जाएगी तो वायरस कम होगा। लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद अगर कुछ भी रिलीफ देने की जरूरत होगी तो हम जरूर कदम उठाएंगे। अलग अलग स्तर पर रिटेल में लोग राशन हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का जमा कर रहे हैं, डर लग रहा है कि कहीं दुकानें बंद ना हो जाए। हाँ, मेरे सबसे यही विनती है कि आप इस तरह से पैनिक मत क्रिएट कीजिए, पैनिक बाइंग मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें और देश की जनता ने, सब लोगों ने मिलके काफी अच्छा काम किया है और हम लोग इसको कंटेनमेंट की स्टेज पे ही रख पाए हैं। अभी तक ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग इसकी शुरू नहीं हुई है, और अगर हम इसी तरह से चौकन्ने रहें तो शायद हम इस विपदा से पार पा सकते हैं। क्या धार्मिक स्थलों से भी आप अपील करेंगे, क्योंकि बंगला साहब और हनुमान मंदिर में काफी सारे लोग आते हैं, इसके साथ 50 से आपने जो 20 का फिगर कर दिया है, क्या शाहीन बाग इसका कारण है? क्यों अलग से शाहीन बाग वालों से आप अपील नहीं कर रहे? वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, डर वहां पे भी बना हुआ है। सभी लोगों से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि कहीं भी गैदर मत हो, कोई भी गैदरिंग, किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे कल्चरल हो। सर, क्या जहां पर 20 से ज्यादा भीड़ होती है, आरटीओ ऑफिस है, एसडीएम्स के ऑफिस, ग्राउंड तक सर्टिफिकेट्स बनते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां मॉर्निंग में आते हैं, उसके ऊपर कल इस पे निर्णय लिया जा रहा है, इसकी डिटेल्स कल हम आपको बता देंगे। जो भी एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया जाएगा, नॉन एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को कल से डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन उसकी डिटेल्स वर्कआउट हो रही है तो वो कल आपको उसकी डिटेल्स देंगे। आप 23 से बजट सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो डेट का बजट तो पास करना ही पड़ेगा, तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स और प्रिंसिपल्स को पैसे नहीं मिले, क्या आप कंसिडरेट करेंगे? अब तो मिल ही जाएंगे, जनरल बॉडी बन रही है, अब तो जो नहीं बन रही है या नहीं, सब बन गई है, मुझे बताया गया, मुझे डिटेल्स नहीं पता, मुझे बताया गया था कि नहीं मिल रही है, विल यू टेक इट एज अ कंसिडरेट ग्राउंड एंड मेक देम द पेमेंट? अब तो सबकी बन रही है तो तनख्वाहें मिल जाएंगी, अब चिंता मत कीजिए। शाहीन बाग के लोगों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ कर अपील करेंगे हमें कोई आश्वासन दे तो हम उठने को तैयार है। किसने कहा आपको? शाहीन बाग के लोगों ने, मेरी खुद बात हुई, वहां पे गया था सर। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। दो चीजें, एक तो ये कि क्वारंटाइन से क्या कुछ लोग दिल्ली में भी ऐसे हैं जो भागे हैं, जो एस्केप किया है, कुछ उसका नंबर है? दिल्ली में शायद कोई नहीं है, दिल्ली में कोई नहीं है। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, ये सबकी सेहत का मामला है, पूरे देश का मामला है। अभी तक हम सब लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया है, तो जिनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाए वो अच्छे से अपने घर में 14 दिन क्वारंटाइन करें, बाहर ना निकलें। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती भी उठाएंगे हैं। हाँ, इसके लिए भी आज चर्चा हुई थी, सारी दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारे वेंटिलेटर्स सब वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, सारी मशीनें वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, वो हम डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं। अगर जरूरत, वो हम आपको बता देंगे। हम सारी मैपिंग कर रहे हैं, प्राइवेट वालों की भी मैपिंग कर रहे हैं और अपने सरकारी हॉस्पिटल्स की भी मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, जरूरत पड़ने पे हम सब चीजों को लागू कर सकें।